हेलो दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं आमिर ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग वीडियो होने वाला बहुत ही मजेदार ब्लॉग वीडियो बनने वाला दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई अपने कबूतर। और फिलहाल जो है अभी देख सकते हैं पीछे जो है हमारी बाइक है। तो फिलहाल आज बाइक के बारे में आपको कुछ जानकारियां बताएंगे और फिलहाल मेरे पास आज जो है हसनैन भी है, तो हसनैन से भी मिलाएंगे, सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। दोस्तों चैनल पर नए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बैक कैमरा करके आपको एक एक करके नज़ारा दिखाते हैं। फाइनली दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर हसनैन है। तो हसनैन अभी कुछ बता रहा था, तो भाई क्या तू बता रहा था बोल कुछ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अभी ये बोल रहा है भाई कि जो है कल ये जो है कबूतर को पकड़ा था, तो कबूतर इसके जो है आकर जो है इसके ऊपर बैठा था, तो यही बता रहा था। तो अभी देख सकते हैं इस साइड जो है हमारे दोनों कबूतर बाहर आ चुके हैं। अफसर भाई ने उसे बाहर निकाला, तो अफसर भाई हाय कर दीजिए। तो अभी देख हसनैन हाय कर भाई। हाय गाइस। तो देख सकते हैं हसनैन भाई बाल इसका देख सकते हैं किस तरीके से भाई ये हमेशा बाल को उठाए रहता है। बड़ा हरामी हो बेटा। और अभी देख सकते हैं मुस्कुरा भी रहा है। तो हसनैन कुछ बोलना चाहता है का? कुछ बोलना चाहता है। कहता गाइस जो है लाइक करो कमेंट करो और भाई को चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई के चैनल को भाई चैनल को सब्सक्राइब करो करा। तो भाई देख सकते हैं ये बोल नहीं पा रहा है अभी। तो फिलहाल अभी देख सकते हैं हमारे कबूतर इस साइड हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो अभी जो इनको हमने बाहर निकाल दिया है, अभी जो मैं शाम के टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी देख सकते हैं सनलाइट का नज़ारा जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो फिलहाल जो है मैं बराज चला गया था, अभी शाम के टाइम आ रहा हूँ। तो अभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये नज़ारा है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और सामने जो आप खेती देख रहे हैं ये जो है उर्द की खेती की गई है। तो फिलहाल जो है मैं उर्द का पेड़ आपको दिखा देता हूँ। ये उर्द की दाल है भाई, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से इसका पेड़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो फाइनली दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस साइड सारस भी जा रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े सारस हैं भाई इस साइड निकल गए। देख सकते हैं ये भाई जा रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े सारस हैं आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस साइड जो है हमारी बाइक भी लगी है। तो अभी देख सकते हैं बाइक की कंडीशन कुछ इस तरीके से, अभी इसका नंबर प्लेट भी हमको नहीं मिला है। तो अभी देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से बाइक की कंडीशन है। और फिलहाल जो है अभी जब मैं बाइक निकालता हूँ तो हसनैन जो है भाई वो जैसे मैं बाइक निकालता हूँ घर के बाहर तुरंत ही ये जो है मेरे साथ आ जाता है और यही बोलता है कि चलो मुझे घुमाओ बाइक से। तो बाइक पर अच्छा लगता है हसनैन? अच्छा लगता है। और साइकिल से? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो अभी देख सकते हैं कैसे कर रहा है भाई। तो अभी इसको साइकिल से बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता, बाइक पर इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये सीन है। अभी मैं थोड़ा बहुत चला लेता हूँ, उसका भी वीडियो जल्दी लाऊंगा। तो अभी इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा फ्यूचर बताता हूँ जो है इसमें आपको दिखाऊँ। तो ये जो है तेल का जो सिस्टम होता है ये अभी मौके पर नहीं दिया जा रहा है, जो अभी न्यू स्प्लेंडर प्लस जो है आ रही है बाइक। अच्छा, हमको सिखा रहा है। इसमें जो है ये तेल वाला जो यहाँ पर सिस्टम था पहले जो है बंद कर दिया जाता था, चालू कर दिया जाता था, वो जो है सिस्टम अब नहीं है, अब ये डायरेक्ट हो चुका है। और ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सीन है। और इसमें जो है 2 लीटर तेल जो है हमेशा रहना चाहिए। तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो अभी देख सकते हैं जैसे कि मैंने इस बाइक को इस तरीके से लगा दिया, अभी जैसे जो है मैं इस चाबी को ऑन करूँगा तो अभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है कांटा जो है ऊपर जा रहा है। अगर जो है आपके पास जो है तेल 2 लीटर होगा तो ये जो है आपको जो रेड कलर का दिख रहा है ये पूरा यहाँ तक जो है आपको रेड कलर तक दिखेगा। और अगर जो है आपके पास जो है 2 लीटर के ऊपर तेल रहेगा तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा। अगर आपके पास जो है तेल कम है, अगर 2 लीटर से कम है तो ये जो है रेड वाले पे आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि तेल इसमें कम है और आपको तेल जो है इसमें डालाना पड़ेगा। क्योंकि जो है अगर तेल पूरा ख़त्म हो जाएगा तो भाई ये जो है जो इसके अंदर जो है अब सिस्टम आ रहा है उसके बाद जो है दिक्कत हो जाएगी आपके लिए और काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लगेगा। तो वो बनेगा नहीं तो इसका जो मोटर अंदर लगेगा, जो अंदर इसके मोटर लगा है ये जो है भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।